मैं और पापा उस किले में पहुँचे 3 महीने पूरे होने से ठीक 1 दिन पहले। ऐसा लग रहा था जैसे उस शैतान को पता चल गया है कि हम लोग आने वाले हैं। उसका वहां होना हमें महसूस हो रहा था, पर न जाने क्यों वो जल्दी हमारे सामने नहीं आना चाहता था। बढ़िया जगह है, क्यों है ना रानी है? हाँ पापा, बहुत खूबसूरत। वैसे मुझे डर लगना चाहिए था क्योंकि हम एक शैतान के घर में थे जो मेरे पापा को जान से मारना चाहता था, पर मुझे बार बार वही प्यारी आवाज सुनाई दे रही थी जो मैंने सपने में सुनी थी। घबराओ मत रानी, तुम्हें एक बहुत ही प्यार करने वाला मिलेगा, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। घबराना मत, हमारी खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहे। तो आखिर अपनी जान बचाने के लिए तुमने रास्ता ढूंढ ही लिया, चोर कहीं गए? मेरे पापा चोर नहीं हैं, ये एक ठेकेदार और बहुत ही इज्जतदार शख्स हैं और अपने वादे से कभी नहीं मुकरते, और इसीलिए आज ये यहाँ हैं। नहीं, ये सिर्फ इसलिए यहाँ है क्योंकि अगर ये आज नहीं आता तो कल जिंदा नहीं बचता। नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ यहाँ आए हैं, मैंने इनकी जगह लेने का फैसला किया है। इनकी जगह लेने का? क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो? हाँ, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, पर पहले मेरे पापा को यहाँ से सुरक्षित जाने दो। नहीं बेटी न... खामोश चोर! क्या तुम अपने बाप की जगह मरने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर तुम भी यही चाहते हो तो। नहीं नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। चुप! कल सुबह तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओगे और अपनी बेटी को हमेशा के लिए अलविदा कह दोगे और यहाँ उसे मिलने कभी नहीं आओगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे वो कहाँ चला गया? मुझे यकीन है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उस रात सोने तो चली गई, पर उस शैतान की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। और अपनी बेटी को हमेशा के लिए अलविदा कह दोगे और यहाँ उसे मिलने कभी नहीं आओगे। कभी नहीं, कभी नहीं। और एक बार फिर मुझे शांति और खुशी का एहसास हुआ और वही खूबसूरत और अनजाना चेहरा मेरे सामने आया। प्यारी रानी, सिर्फ वही लड़की अपने पिता की जगह मौत को गले लगा सकती है जो तुम्हारी तरह नेक दिल हो, और देखना तुम्हारा प्यार जल्द ही सामने आएगा, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। घबराना मत। रानी, मेरी प्यारी बच्ची, मैं नहीं जा सकता अब, मैं नहीं। पापा, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, मुझे सपने में एक संदेशा आया है। सपने में? अब आखिर सपने थोड़ी सच होते हैं बेटी। क्यों नहीं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। अब आप जाइए और मुझ पे भरोसा रखिए पापा, जाइए। ठीक है बेटी, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। अलविदा बेटी, अलविदा। ऊपर वाला करे तुम्हारी जैसी बेटी हर बाप को नसीब हो। और फिर पापा चले गए और उस शैतान का भी कुछ पता ना था, फिर भी मुझे एहसास जरूर हो रहा था कि वो मुझे हर वक्त देख रहा है।
मेरा वक्त काटने के लिए एक पियानो और कई किताबें रखी हुई थीं और मेरे कमरे में जैसे कोई जादू हो। नए कपड़े, जूते और कीमती हीरे और जेवरात आ गए थे। मुझे लगने लगा कि शायद वो शैतान मेरी जान नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं बड़े ही आराम से किले में कहीं भी आ जा सकती थी। आखिर वो मुझ पे इतना मेहरबान क्यों था? उस रात मैं अकेली ही खाने के टेबल पर बैठी थी। जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि शैतान आ गया है। अगर तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, रुको। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ खुश रहो। अगर तुम ना खुश हुई तो मुझे बुरा लगेगा। सब तुम्हारी पसंद का है ना? हाँ है, शुक्रिया। मैं क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? मुझे शैतान ही कहो, शैतान, क्योंकि मैं दिखता भी शैतान ही हूँ। हाँ, पर तुम्हारा दिल तो बहुत ही नर्म और अच्छा है। वो कपड़े और जेवरात जो तुमने मेरे लिए रखे, वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का सब कुछ तुम्हारा है। मेरा? अगर तुम मुझसे शादी करो तो। शादी तुमसे? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे शादी करने की भीख मांगता हूँ रानी। मेरी बात समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं, 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 नहीं। मैं चाहती तो नहीं थी, पर अनजाने में शायद मैंने उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। और ऐसा आखिरी बार नहीं हुआ था। अगले 3 महीनों तक हर रोज वो टेबल पर आके मुझसे यही बात करता। मैं तुमसे शादी करने की भीख मांगता हूँ रानी। और हर बार मुझे उसे वही जवाब देना पड़ता था। मेरी बात समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं, नहीं। रानी, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। दरअसल मैं बहुत अकेला हूँ। तुम मुझसे शादी और प्यार नहीं करोगी, क्योंकि मेरी सूरत ऐसी है। और ये सच था। मैं उससे इसलिए ही शादी नहीं कर रही थी क्योंकि वो इंसान नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं उसकी शक्ल को भुलाकर उसके प्यारे से दिल के बारे में सोचने लगी। पर फिर भी मैं उसकी सिर्फ दोस्त ही बन सकती थी, बीवी नहीं। उस रात वही अनजाना सा चेहरा फिर मेरे सामने आया, पर इस बार उसने मुझे परेशानी में डाल दिया। रानी, तुम्हारे प्यारे पापा तुम्हारी फिक्र में परेशान हैं और बहुत बीमार हो गए हैं। अगर तुम जल्द से जल्द घर नहीं गई तो शायद वो जिंदा भी न रहे। जल्दी घर पहुँचो। पापा, नहीं, नहीं, नहीं। शैतान ने मुझे बिना किसी रोक टोक के अगले ही दिन सुबह घर जाने की इजाजत दे दी। मुझ में पापा की बीमारी से जो परेशानी और बेचैनी थी उसे वो देख पा रहा था। पर तुम्हें वादा करना होगा कि 8 दिन में तुम वापस आ जाओगे। अगर तुम नहीं आई तो तबाही मच जाएगी। वादा रहा, मैं 8 दिन में जरूर लौट कर आऊंगी। ये अंगूठी लो, इसे पहन लो। 8 से 8 दिन बाद जो रात आएगी तब इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम खुद यहाँ पहुँच जाओगी। अलविदा रानी। जैसे ही शैतान ने मुझे वो अंगूठी पहनाई, मैं सब कुछ भूल गई।
बस इतना ही महसूस हो रहा था कि अब मैं आजाद थी अपने पापा से जाकर मिलने के लिए। और अचानक मैं अपने कमरे में रोहाना के पास पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मैं पापा से मिलने आई हूँ। मुझे सपना आया कि वो बीमार है। हाँ, बीमार है और तुम्हारी वजह से हमें उनका हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। ओह बेचारे पापा। जब तुम्हारी कोई खबर नहीं आई तो उन्हें लगा कि तुम मर गई हो और इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। पर मुझे खत लिखने की इजाजत नहीं थी। अब जाओ और जल्दी से जाके देखो उन्हें, कहीं कल रात वो गुजर ही ना गए हो। क्या सच में रानी बेटी तुम ही हो? हाँ पापा, उस शैतान ने थोड़े वक्त के लिए मुझे आने की इजाजत दी है। चलो भला हो उसका, मुझे तो लगा था कि तुम शायद अब जिंदा नहीं हो। अब कम से कम मेरे पास जीने के लिए वजह तो है। इन्हें थोड़ी देर सोने दो, कई दिनों से इन्होंने आराम नहीं किया। आराम नहीं किया? आराम तो जूलियस और मैंने नहीं किया जो हर वक्त इनका ख्याल रखते थे। बेवजह ये बीमार हुए पड़े हैं पापा। हाँ बेवजह। रोना और जूलियस की हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के बारे में ऐसा सोचने की भी? मतलब ही बिगड़े हुए दोनों के दोनों रईस। अरे अब ये बक्सा कहाँ से आ गया? अरे वाह रानी, रानी जल्दी आओ यहाँ पर। क्या बात है मैरी? मेरी प्यारी रानी के लिए, उससे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाले की ओर से शैतान। ओह क्या बात है, किसका है ये सब? रानी का, उस शैतान ने तोहफा भेजा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी मेरी प्यारी बहन रानी। नहीं कहा? और मैं तो तुम्हें हमेशा से ही बहुत पसंद करती हूँ। शुक्रिया रोहाना, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें जो भी अच्छा लगता है इस बक्से में से निकाल लो, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। सच में? नहीं, कहाँ गए? अभी कपड़े मेरे हाथ में थे और अचानक गायब हो गए, कैसे? ओह सारे कपड़े यहाँ वापस आ गए। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है रानी। क्या, सिर्फ रानी के लिए? शैतान का ही काम। क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बागीचे में दोबारा घूम पाऊंगा, पर आज देखो मैं यहाँ हूँ। तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। ओह पापा, दरअसल मुझे तो लगता है आपकी बीमारी की वजह मैं ही हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि आज आप ठीक हो गए। चलो अब हम दोनों ही खुश हैं। जानते हो बेटी, मैं बड़े ही चैन और आराम से यहाँ रह सकता हूँ, चाहे पैसे हो या ना हो, पर एक ही बात खाती है कि तुम मेरे साथ नहीं। रोवाना और जूलियस बहुत ही नाखुश हैं। मैं जानती हूँ पापा, और मैं उन्हें अपने तोहफे भी नहीं दे सकती क्योंकि वो जादुई हैं और सिर्फ मेरे लिए हैं। शायद तुम जानती हो कि मैं अब बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम वापस उस जगह जाओ। पापा अगर मैं इस बार वक्त पे लौट गई तो वो मुझे अगली बार वापस जरूर आने देगा। काम तो बहुत आसान है जूलियस, वो इस बार वक्त पे नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी? नहीं, और वो शैतान इसे खत्म कर देगा, इसकी प्यारी सी जिंदगी का अच्छा सा खात्मा करेगा। इतने खूबसूरत कपड़े और अनमोल जेवरात, और हम दोनों यहाँ पड़े सड़ रहे हैं भिखारियों की तरह अपने बूढ़े बाप के साथ। हाँ सच, इन्हें तो ठीक से पापा पापा पत्ते भी खेलने नहीं आते। जूलियस मेरे साथ आओ, मुझे एक खतरनाक तरकीब सूझी है रानी के लिए। सच में पापा पापा आएगा मजा। पांचवे दिन की सुबह को कुछ बड़ा ही अजीब सा होने लगा था। रानी मेरी प्यारी बहना,
मैं तुम्हारे नाश्ते के लिए ताजे अंडे लाई हूँ। बड़े दिनों से संभाल रही थी इन्हें। ओह, शुक्रिया रुआना। आज तक तुमने कभी? हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया और कभी अपनी हरकतों के लिए माफी भी नहीं मांगी। रानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं अपनी हरकतों के लिए कितनी शर्मिंदा हूँ। रानी, लो फूल तो तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ, ले लो और मुझसे हुई गलतियों को माफ कर दो। अरे नहीं, तुम दोनों पागल हो। तुमने इतना अच्छा तोहफा दिया है और अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है तुम्हें। हम वादा करते हैं कि ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं करेंगे रानी, है ना जूलियस? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगले 3 दिनों तक मेरा पूरा परिवार बड़े ही मजे और खुशहाली से जी रहा था, जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोआना और जूलियस का बर्ताव मेरे और पापा के साथ बिल्कुल ही बदल गया था। थोड़ा नमक और दूं प्यारे पापा? ओह, शुक्रिया रोआना। मैंने हमेशा ही एक ऐसे परिवार की ख्वाहिश की थी, क्योंकि कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए पर वो परिवार की खुशी को नहीं खरीद सकता है, बिल्कुल नहीं। ओ, काश तुम्हारी माँ आज जिंदा होती और काश तुम आज रात हमें छोड़ के वापस ना जा रही होती। रानी, मुझे तो जाना ही होगा पापा, मैंने उससे वादा किया है। नहीं, तुम नहीं जा सकती रानी, अभी तो हम सब ने मिलकर जिंदगी शुरू की है। अगर तुम चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रुक जाओ रानी, पापा के लिए ही सही, रुक जाओ ना। मान जाओ रानी। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम कुछ दिन और रुक गई तो उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटी। मैं एक बड़ी ही दुविधा में फंस गई थी। एक तरफ मेरा परिवार था और एक तरफ उस शैतान को दिया वादा। मुझे अपने परिवार से प्यार तो था, पर मुझे शैतान की भी याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ कह रहा है, कुछ याद दिला रहा है। आज से 8 दिन बाद जो रात आएगी तब इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम खुद यहाँ पहुँच जाओगी, खुद यहाँ पहुँच जाओगी। और फिर मुझे पापा की कही हुई बातें भी याद आने लगी। क्योंकि कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए पर वो परिवार की खुशी को नहीं खरीद सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने परिवार को चुन लिया और सोचा कि शैतान मेरी हालत समझ जाएगा, मुझे माफ कर देगा। जैसे ही मैं सोने गई, वही चेहरा आखिरी बार फिर मेरे सामने आ गया। सुनो प्यारी रानी, सुनो शैतान की दर्द भरी आवाज जो तुम्हारे बिना अकेले तड़प रहा है। तबाही रानी, याद करो तबाही। नहीं नहीं। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाई, ये सोचते हुए कि मैंने जानबूझकर उस शैतान को धोखा दिया था, जिससे उसे कितना दर्द हो रहा था। उसका दुख मेरा दुख बन गया और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब मुझे पता चला शायद मैं भी उसे प्यार करने लगी हूँ। और फिर अचानक जैसे सब कुछ रुक गया हो, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं उड़ते हुए जा रही हूँ और वो सच था। ओह, शैतान, शैतान! जब मैं शैतान को पूरे किले में ढूंढ रही थी, तब मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। शैतान! हाँ?
क्या हो गया तुम्हें? वो मरने वाला था और यही वो तबाही थी जिसके बारे में उसने मुझे कहा था, जो मेरी वजह से हो गई। मुझसे बात करो, बात करो मुझसे। रानी। हाँ, ये मैं ही हूँ। जब कल रात को तुम लौट कर नहीं आई तो दुख से मेरा दिल टूट गया और मेरा ये हाल हो गया। ओ, नहीं, दरअसल मैं तो आ रही थी, मेरा परिवार। बस रानी, अब मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हारी आवाज सुन ली। नहीं, तुम मर नहीं सकते। मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे टूटे दिल को जोड़ दूंगी। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुमने मेरी जान बचा ली रानी। वो शैतान कहाँ गया? मैं ही हूँ वो शैतान। तुम थे? मैं एक राजकुमार था। एक बुरी आत्मा ने मुझे शराब दिया था जो तभी टूट सकता था जब कोई मुझसे सच्चा प्यार करे, जिसका दिल पवित्र हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह रानी। कोई ऐसी लड़की जो मेरे बुरे चेहरे के पीछे मेरे सच्चे प्यार को समझ सके और देख सके। तुम्हारे सच्चे प्यार को? मेरा राजकुमार? तुम्हारे सपनों में मेरा ख्याल रखने वाली परी आती थी क्योंकि शायद तुम ही वो थी जो मेरी जान बचा सकती थी। रानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, मैं तुमसे शादी करूंगी। और फिर राजकुमार ने पापा को कुछ पैसे दिए और उनका शहर का घर भी दिला दिया और मैरी भी पापा के साथ आ गई। पर राजकुमार की एक शर्त थी कि रोवाना और जूलियस पूरा एक साल उसी गांव के छोटे से घर में बिताएंगे क्योंकि यही उन दोनों की सजा थी। तो तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी।